नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको बीएससी सेकंड ईयर की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने गोलीय विपतन जो था उसे पढ़ रहे थे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अपना टॉपिक है गोलीय विपतन के निराकरण की विधियाँ। गोलीय विपतन के निराकरण की विधियाँ। ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या है? गोलीय विपतन के निराकरण की विधियाँ। तो देखिए, गोलीय विपतन जो होता है इसके अंदर क्या क्या अपने पढ़ करके आए थे, और देखिए एक आप लोगों ने पढ़ा था कि गोलीय पृष्ठ जहाँ होता है वहाँ क्या होता है? गोलीय विपतन होता है। तो इससे आप लोगों देख सकते हो कि गोलीय पृष्ठ जो होता है, यानी एक एकल लेंस या सिंगल लेंस जिसमें क्या हो, गोलीय पृष्ठ हो, उस गोलीय पृष्ठ वाले लेंस के अंदर गोलीय विपतन को अपने कभी भी पूर्ण रूप से विलोपित नहीं कर सकते हैं, यानी पूर्णतः अपने क्या नहीं कर सकते, इसे हटा नहीं सकते हैं। गोलीय विपतन जो है इसका पूर्ण रूप से निराकरण संभव नहीं है। वजह क्या है? वजह है गोलीय विपतन होता है लेंस पर वर्तकार जोन जो होता है उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, जिस पर आपतित किरणें अपवर्तित होकर के क्या करती है, प्रतिबिंब का निर्माण करती है। यानी आपके पास में जो गोलीय विपतन होता है ये क्या होता है, ये लेंस के वर्तकार जोन जो आपके पास में है, यानी आपके पास में जो वर्तकार जोन है उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। वर्तकार जोन की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। गोलीय विपतन जो होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो गोलीय विपतन जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है जो वर्ताकार जोन है लेंस का उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन? जो आपके पास में गोलीय विपतन है वो। और इस त्रिज्या को अपने क्या नहीं कर सकते, इस त्रिज्या को अपने शून्य नहीं ले सकते, इस त्रिज्या को अपने क्या नहीं कर सकते, शून्य नहीं ले सकते। अब जब इस त्रिज्या को शून्य नहीं ले सकते तो आप लोग देख सकते हो त्रिज्या कुछ ना कुछ तो होगी, अगर होगी तो इस वर्ताकार जोन के गोलीय विपतन जो है वो त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। परंतु फिर भी अपने पास में कुछ एक विधियाँ हैं जिसकी सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, गोलीय विपतन को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अपवर्तक या किसी अवरोधक के उपयोग से, बाय यूजिंग स्टॉप्स, यानी सबसे पहले अपने क्या करना है, अवरोधक को काम में लेना है, और अवरोधक की सहायता से आप लोग क्या कर सकते हो, किसी अवरोधक की सहायता से आप लोग इन्हें न्यूनतम कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले आपके पास में आता है अवरोधक के उपयोग से। अपने डायग्राम वगैरह इसके बनाए उससे पहले थोड़ा अपने इसकी चर्चा करते हैं कि गोलीय विपतन होता कैसे है। तो आपने देखा था कि जो आपके पास में लेंस होता है, ये इस प्रकार से आपके पास में लेंस है, और लेंस पर जो ये तो इसका अक्ष हो गया, ठीक है, इसके प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली किरण जो है वो तो सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ जो प्रकाश की किरणें आ रही है इस जगह से और इसके यहाँ से जो होकर के गुजरती है, इन किरणों का विचलन जो है वो लेंस के द्वारा क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी ये जो यहाँ पर इसकी सीमांत किरणें हैं ये ज़्यादा क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, परंतु उपाक्षीय किरणें जो है वो क्या होती है, कम विचलित होती है। यानी इन किरणों का विचलन ज़्यादा होता है और इनका क्या होता है, कम होता है, इनका विचलन जो है वो क्या होता है, कम होता है, कुछ इस तरीके से। तो गोलीय विपतन की वजह क्या है? गोलीय विपतन की वजह है कि जो सीमांत किरणें, उपाक्षीय किरणें हैं, इनका लेंस के द्वारा विचलन जो है वो अलग अलग
होना, यानी अलग अलग लेंस के द्वारा क्या हो रहा है, इनका विचलन हो रहा है। परंतु अगर आप लोग क्या कर दो, किसी अवरोधक या द्वारक की सहायता से या तो आप लोग इन किरणों को रोक दो या आप लोग क्या कर दो, इन किरणों को रोक दो। जैसे अगर आप लोग इन किरणों को रोक देते, जैसे ये बीच वाली किरणें अगर नहीं आती तब ये लाइन आपको नहीं प्राप्त होती और सिर्फ आपको ऐसा ये प्राप्त होता। कैसे, जैसे ये आपके पास में है, आपने इनको तो रोक दिया, तो इनको रोक दिया तो सिर्फ ये प्रकाश की किरणें जाएगी और ये इस प्रकार से क्या करेगी, मुड़ करके प्रतिबिंब का निर्माण करेगी। इस पॉइंट पर प्रतिबिंब का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग इन बाहर वाली किरणों को रोक दो तब सिर्फ कौन सी किरणें आने वाली है, तब सिर्फ आपके पास में ये वाली किरण आएगी और यहाँ क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो अवरोधक या द्वारक की सहायता से आप लोग क्या कर सकते हो, किसी विशेष प्रकार की किरणों को रोक करके आप लोग जो गोलीय विपतन है उसे दूर कर सकते हो। ठीक, अब देखिए आगे, तो आपका टॉपिक है अवरोधक की सहायता से गोलीय विपतन को दूर करना। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, लेंस के किसी एक प्रभाग को ही अपने काम में लिया जाता है। उससे क्या होगा, जो बिंदु बीम है उसका बिंदु प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा। कैमरे जो होते हैं, कैमरे जिनसे वीडियो वगैरह अपने बनाते हैं, उन कैमरे वाले लेंसों में इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इनमें सिर्फ वृत्ताकार छिद्र जो होता है वो सीमांत किरणों को क्या करता है, रोक लेता है और बाकी किरणों को आगे जाने देता है। ठीक है, किसी दूरदर्शी के अभिक्षेत्र लेंस जो होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो हो रहा है, उसका डायग्राम अपने बना रहे हैं क्योंकि इसका व्यास ज़्यादा होता है और इसके अंदर अपने क्या कर सकते हैं, कुछ किरणों को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, दूरदर्शी के अभिक्षेत्र लेंस को बनाते हैं। एक तो ये उत्तल और अवतल लेंसों को काम में लेकर के अपने क्या कर सकते हैं, उत्तल और अवतल लेंसों को काम में लेकर के भी हम लोग गोलीय विपतन को दूर कर सकते हैं। तो ये तो इसका मुख्य अक्ष आ गया और मुख्य अक्ष के अनुदिश जो प्रकाश की किरण आएगी वो बिल्कुल सीधी गुजरी जाएगी। ठीक है, एक तो ये आ ही जाएगा सीधा सीधा और इसके अंदर अपने क्या करते हैं, जो सीमांत किरणें हैं उन सीमांत किरणों को अपने क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। सीमांत किरणों को रोकने के बाद में देखिए आपके पास में सिर्फ कौन सी किरणें बचेंगी, उपाक्षीय किरणें बचेंगी और उपाक्षीय किरणें जो है वो यहाँ से गुजर जाएगी। ये उपाक्षीय किरणें जो है ये गुजरेगी और इन्हीं के द्वारा क्या किया जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण किया जाएगा। अपने यहाँ क्या लगा दिया है, अवरोधक लगा दिया है। इससे क्या होगा कि ये किरणें जो है सिर्फ यहाँ से गुजर पाएगी, इस तरीके से केवल ये किरणें यहाँ से गुजर पाएगी और बाकी किरणें यहाँ से नहीं आ पाएगी। इससे क्या होगा, सिर्फ उपाक्षीय किरणें आ रही है तो आपके पास में प्रतिबिंब जो होगा वो गोलीय विपतन से मुक्त होगा। दूसरा, आप लोग क्या कर सकते हो, जो आपके पास में उपाक्षीय किरणें हैं इन्हें आप लोग रोक सकते हो और सिर्फ किन्हें जाने दे सकते हो, सीमांत किरणों को भी जाने दे सकते हो। ठीक है, ये तो मुख्य अक्ष आ गया, मुख्य अक्ष पर ये लाइन मत बना देना। ठीक है, क्योंकि अपने ऐसे तो रोक रहे हैं, इन्हें तो अवरोधक या द्वारक की सहायता से रोक रहे हैं। अब ये सिर्फ मुख्य अक्ष है, प्रकाश की किरण नहीं है। यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी इस तरीके से और आने के बाद में ये क्या करेगी, यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण करेगी, एफ एम। तो अवरोधक या द्वारक की सहायता से भी आप लोग क्या कर सकते हो, किसी अवरोधक या द्वारक की सहायता से भी आप गोलीय विपतन जो है उस गोलीय विपतन को दूर कर सकते हो। जैसे यहाँ अपने इन जो साइड की किरणें हैं, यानी आप लोग जिसे सीमांत किरणों के नाम से जानते हो, इन्हें अपने क्या कर दिया है, रोक दिया है और यहाँ अपने उपाक्षीय किरणें जो है इन्हें रोक दिया है। इससे जो अलग अलग जगह प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो रहा था वो प्राप्त नहीं होगा। बिंदुवत जो प्रतिबिंब आपके पास में, उसका प्रतिबिंब भी कैसा प्राप्त होगा, आपको बिंदुवत ही प्राप्त होगा। परंतु इसका एक दोष भी है, वो दोष क्या है कि आपने क्या कर दिया, प्रकाश को कम कर दिया है, आने वाले प्रकाश को आपने क्या कर दिया है, कम कर दिया है, जिससे प्रतिबिंब जो है उस प्रतिबिंब की तीव्रता जो है वो कम हो जाएगी। यानी आपके पास में जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी, प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी। ठीक है, यानी आपके पास में जो प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब की तीव्रता क्या हो जाएगी, इस विधि के द्वारा कम हो जाएगी। अगर आप लोग क्या कर देते हो, या तो आप लोग बाहर वाली किरणों को रोक लेते हो या जो इसके बीच से होकर के जो किरणें गुजर रही है उनको रोक लेते हो, तो इससे प्रतिबिंब की तीव्रता जो है वो कम हो जाती है। यानी आपने क्या कर दिया, गोलीय विपतन का तो निराकरण कर दिया, आपने गोलीय विपतन को तो दूर कर दिया, परंतु इसका दोष क्या आ गया साथ में,
कि प्रतिबिंब जो है उसकी तीव्रता यहाँ पर कम हो जाती है। दूसरा जो तरीका आपके पास में आता है वो आता है समतलोत्तल लेंस के द्वारा। समतलोत्तल लेंस के उपयोग के द्वारा तो आपके पास में जो अक्षीय गोलीय विपतन होता है ASA से जिसे लिखते हैं वो क्या होता है, लगभग विचलन कोण के वर्ग के समानुपाती होता है। देखिए दूसरा आपके पास में क्या आता है, दूसरा आता है समतलोत्तल लेंस के उपयोग से। समतलोत्तल लेंस के उपयोग से आप लोग समतलोत्तल लेंस का उपयोग करके भी क्या कर सकते हो, समतलोत्तल लेंस का उपयोग करके भी गोलीय विपतन जो है इसका निराकरण कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो अक्षीय गोलीय विपतन होता है, अक्षीय गोलीय विपतन जो आपके पास में अक्षीय गोलीय विपतन होता है ये किसके समानुपाती होता है, ये किरणों के विचलन कोण के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। विचलन कोण के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी आपके पास में जो है अक्षीय गोलीय विपतन है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, वो किरणों के विचलन कोण के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर आपके पास में डेल1 व डेल2 लेंस जो है उनके अपवर्तक पृष्ठों द्वारा किरणों में उत्पन्न विचलन है तो कुल विचलन कितना होगा, डेल होगा, ठीक है। यानी आपके पास में क्या है, दो लेंस जो है इसके अपवर्तक पृष्ठों के द्वारा विचलन कितना है, डेल1 और डेल2 है, तो कुल विचलन कितना होगा, डेल होगा। और ये कुल विचलन डेल होने पर अक्षीय गोलीय विपतन जो है, अक्षीय गोलीय विपतन ये किसके अनुक्रमानुपाती होगा, तो ये डेल के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। यानी ये किसके अनुक्रमानुपाती होगा, तो अक्षीय गोलीय विपतन जो है वो डेल स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगा। अक्षीय गोलीय विपतन जिसे अपने किस नाम से जानते हैं, ASA के नाम से भी जानते हैं, ये किसके समानुपाती है, तो ये डेल स्क्वायर के वर्ग के समानुपाती है। या आप लोग क्या कर सकते हो कि ASA जो है वो किसके समानुपाती है, तो ये डेल1 प्लस डेल2 के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। किसके अनुक्रमानुपाती, डेल1 प्लस डेल2 के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लोग फॉर्मूले को काम में लेकर के ये जो समीकरण है आपकी, इसे आप लोग लिख सकते हो ASA अनुक्रमानुपाती किसके, डेल1 माइनस डेल2 के वर्ग के। पर इसका वर्ग खोल करके देखिए, इसका वर्ग बनेगा डेल1 स्क्वायर प्लस डेल2 स्क्वायर माइनस 2 डेल1 डेल2, परंतु इसके बराबर नहीं है, इसलिए आपको प्लस का क्या करना पड़ेगा, यहाँ डेल1 डेल2 करना पड़ेगा। अब दोनों को सोल्व कीजिए, मान बराबर मिलेंगे आपको। यानी आप जब इसका वर्ग खोलोगे, डेल1 स्क्वायर डेल2 स्क्वायर माइनस का 2 डेल1 डेल2 पर प्लस का 4 डेल1 डेल2 है, तो इसे कम करने पर आपके पास में ऊपर वाली समीकरण प्राप्त हो जाएगी कि आपके पास में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल1 प्लस डेल2 की होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आपके पास में क्या होगा, यदि डेल1 बराबर डेल2 हो, तो अगर आपके पास में क्या हो, डेल1 बराबर डेल2 हो, तो डेल1 बराबर डेल2 हो तो आपके पास में अक्षीय गोलीय विपतन जो है वो क्या होगा, न्यूनतम होगा। आपके पास में क्या होगा, ये न्यूनतम होगा, ठीक है। यानी अगर आपके पास में क्या हो, डेल1 और डेल2 एक दूसरे के बराबर हो, तो उस समय आपके पास में अक्षीय गोलीय विपतन जो आएगा वो क्या आएगा, न्यूनतम आएगा। दूसरा इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि जो विचलन आया है, यानी आपके पास में जो कुल विचलन आया है डेल, ये क्या हो, समान रूप से अपवर्तक पृष्ठों में वितरित हो। यानी जो डेल आपके पास में, ये समान रूप से क्या हो, अपवर्तक पृष्ठों में वितरित हो। यानी कुल विचलन डेल जो है वो क्या हो,
डेल वन प्लस डेल टू के बराबर हो, और ये डेल वन प्लस डेल टू जो है इसके अंदर डेल वन और डेल टू क्या हो, बराबर हो, यानी जो विचलन है वो दोनों अपवर्तक प्रश्नों के द्वारा समान रूप से किया जाए। दोनों अपवर्तक प्रश्न अगर समान रूप से विचलन करते हैं तब आपके पास में गोलीय विपतन जो है उसका मान क्या प्राप्त होता है, न्यूनतम प्राप्त होता है। यहाँ ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जब अपवर्तक प्रश्नों के द्वारा जो विचलन है वो समान किया जाए, यानी डेल वन और डेल टू का मान जब बराबर होगा तभी आपके पास में अक्षीय गोलीय विपतन जो है वो क्या प्राप्त हो जाएगा, न्यूनतम प्राप्त हो जाएगा। और इसका उपयोग ये जो तथ्य है इसका उपयोग किया जाता है किसमें, दूरदर्शी में। दूरदर्शी में जो अभिनेत्र लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है उसे क्या किया जाता है, समतलोतल लेंस के रूप में लेते हैं। तो दो कंडीशन के रूप में आप लोग समतलोतल लेंस के रूप में इसे ले सकते हो। एक तो आप लोग क्या करोगे, एक तो आप लोग इसके अंदर सबसे पहले जो समतल प्रश्न है उसे सामने रखोगे आने वाली विकर्णों के, ठीक है। यानी एक तो आपके पास में ये कंडीशन बनती है कि आप लोग इसे इस प्रकार से रख दो। आप लोग क्या कर रहे हो, जो दूरदर्शी है, दूरदर्शी के अभिनेत्र लेंस जो होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है, उसको किसके रूप में ले रहे हो, समतलोतल लेंस के रूप में ले रहे हो। परंतु समतलोतल लेंस के रूप में लेने के भी दो तरीके, एक तो आप लोग समतल प्रश्न को कहाँ रखते हो, प्रकाश की साइड में रखते हो, एक आप लोग उसके जो वक्र प्रश्न है, उत्तल प्रश्न जो है उसे क्या करते हो, आपतित किरण के सामने रखते हो। अपने यहाँ किसे सामने रख रहे हैं, यहाँ अपने जो समतल प्रश्न है इसे सामने रख रहे हैं आपतित विकिरणों के। अगर आप लोग इसे सामने रखते हो तो आप लोग देखोगे कि संपूर्ण विचलन जो यहाँ पर होने वाला है वो किसके द्वारा होगा, वो संपूर्ण विचलन होगा इसके गोलीय प्रश्न के द्वारा। जो गोलीय प्रश्न है इसके द्वारा क्या होगा, यहाँ पर संपूर्ण विचलन होगा। और जब संपूर्ण विचलन गोलीय प्रश्न के द्वारा होगा तब डेल वन बराबर डेल टू नहीं होगा, यानी संपूर्ण विचलन जो है वो किसके बराबर हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर संपूर्ण विचलन आप लोग देख सकते हो, यहाँ संपूर्ण विचलन जो है वो हो रहा है किसके द्वारा, इस गोलीय प्रश्न के द्वारा, क्योंकि समतल प्रश्न तो सबसे पहले सामने आ गया और समतल प्रश्न से तो प्रकाश की किरणें सीधी चलेगी और जो आपका वक्र प्रश्न सामने था उस गोलीय प्रश्न के द्वारा किया जा रहा है किरणों का विचलन। तो समतल प्रश्न तो विचलन करेगा नहीं, संपूर्ण विचलन जो है वो कौन कर रहा है, गोलीय प्रश्न कर रहा है। और अगर संपूर्ण विचलन गोलीय प्रश्न के द्वारा किया जाएगा तब ये जो आपके पास में कंडीशन है ये यहाँ पर संतुष्ट नहीं होगी, और ये कंडीशन संतुष्ट भी नहीं होगी, दूसरा एक विचलन जो है उसका मान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और दूसरे का काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, इससे क्या होगा, गोलीय विपतन जो है बढ़ जाएगा, इससे गोलीय विपतन जो है वो क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो यानी गोलीय विपतन को कम करने के लिए आप लोग किसे काम में ले रहे हो, समतलोतल लेंस को काम में ले रहे हो, पर समतलोतल लेंस के अंदर भी आपने क्या कर दिया, अगर पहले समतल प्रश्न को सामने रख दिया आपतित किरणों के तब गोलीय विपतन जो है उस गोलीय विपतन का मान कम होने की बजाय क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। दूसरा आपके पास में तरीका क्या है, दूसरा आपके पास में तरीका है कि आप लोग आपतित विकिरणों के सामने किसे रखते हो, गोलीय प्रश्न को रखते हो। अगर आप लोग गोलीय प्रश्न को रखते हो तब क्या होगा, तब इस प्रकार से आपके पास में प्रकाश की किरणें आएगी और यहाँ जो विचलन है दोनों प्रकार के जो आपके पास में लेंस लगे हुए हैं इनके द्वारा क्या होगा, समान रूप से इनका विचलन होगा। यहां क्या होगा, समान रूप से इनका विचलन होगा इस तरीके से, ठीक है। अगर इस तरीके से आप लोग इसे रखते हो तो दोनों प्रश्न जो है इनके द्वारा क्या किया जाएगा, समान रूप से विचलन किया जाएगा। अगर इस कंडीशन के अंदर हम लोग इसे रखते हैं तब यहाँ गोलीय विपतन जो है वो क्या होगा, न्यूनतम होगा। यहाँ गोलीय विपतन जो है वो क्या होगा, न्यूनतम होगा। गोलीय विपतन न्यूनतम होगा, गोलीय विपतन पहले की तुलना में, शुरुआत वाली जो कंडीशन थी उसकी तुलना में क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, या न्यूनतम विचलन की कंडीशन आपको प्राप्त होगी। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि अगर आप लोग क्या करना चाहते हो, दूरदर्शी जो होती है उसके अंदर आप लोग गोलीय विपतन को कम करना चाहते हो तो समतलोतल लेंस को काम में ले सकते हो, ठीक है। समतलोतल लेंस को आप लोग क्या कर सकते हो, काम में ले सकते हो। और समतलोतल लेंस को काम में लेकर के अपने क्या करेंगे, समतलोतल लेंस को काम में लेकर के अपने गोलीय विपतन को कम करेंगे। समतलोतल लेंस को काम में लेने के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, समतलोतल लेंस जो है उसके उत्तल पृष्ठ को, यानी समतलोतल लेंस जो आपके पास में उसके उत्तल पृष्ठ को कहाँ रखना पड़ेगा,
आपतित प्रकाश की दिशा में रखना पड़ेगा, यानी आपतित प्रकाश की दिशा में रखना पड़ेगा आपको किसे, दूरदर्शी के समतलोत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ को, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग सूक्ष्मदर्शी जो है उसमें भी क्या कर सकते हो, उसमें भी आप लोग समतलोत्तल लेंस को काम में ले सकते हो, परंतु उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको उसका समतल पृष्ठ जो है वो आपतित किरणों के सामने रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो दूरदर्शी है सूक्ष्मदर्शी है दोनों के अंदर गोलीय विपतन को न्यूनतम करने का तरीका आपके पास में क्या है, तो वो आपके पास में तरीका है समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस की सहायता से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग समतलोत्तल लेंस की सहायता से गोलीय विपतन को न्यूनतम कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि गोलीय विपतन जो है वो किसके समानुपाती होता है, लेंस के द्वारा किरणों के विचलन कोण के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी डेल स्क्वायर के क्या है ये समानुपाती, और कुल विचलन डेल किसके बराबर, दोनों लेंसों के विचलनों के योग के बराबर, डेल वन प्लस डेल टू के योग के बराबर। इसे इस तरीके से लिखने के बाद में जब डेल वन डेल टू बराबर होगा तब आपके पास में गोलीय विपतन होगा न्यूनतम, यानी डेल जो है वो डेल वन डेल टू होगा और डेल वन और डेल टू होगा बराबर। अगला आपके पास में आता है अल्पतम विपथी लेंस के उपयोग के द्वारा, अल्पतम विपथी लेंस के उपयोग के द्वारा, यह एक अपने पास में प्रायोगिक फैक्ट है जो अपने अब आता है कि अल्पतम विपथी लेंस जो है इसके उपयोग के द्वारा भी अपने क्या कर सकते हैं, जो गोलीय विपतन है इसे कम कर सकते हैं, किसके द्वारा, अल्पतम विपथी लेंस के द्वारा। तीसरा आता है अल्पतम विपथी लेंस के उपयोग के द्वारा, यह एक प्रायोगिक फैक्ट आपके पास में है कि अगर आप लोग क्या करते हो, गणितीय रूप से सिद्ध किया जा सकता है कि जो आपके पास में समांतर प्रकाश किरणें आ रही है इनके अंदर अगर आप लोग गोलीय विपतन कम करना चाहते हो तो जो आपके पास में गोलीय पृष्ठ है इनकी वक्रता त्रिज्या जो है उनका अनुपात क्या होना चाहिए, तो इनकी वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात जो है, यानी आपके पास में जो R1 और R2 है इनका अनुपात आपके पास में कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 2μ² - μ - μ - 4 / μ और 2μ + 1। ये आपके पास में एक प्रायोगिक या गणितीय रूप से आप लोग इसे सिद्ध कर सकते हो कि R1 / R2 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 2μ² - μ - 4 / μ - 2μ + 1। यहाँ म्यू जो आपके पास में है वो क्या है, यहाँ म्यू जो आपके पास में है ये है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, ये आपके पास में क्या है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, ये 4 है। यानी अगर R1 R2 जो है आपके पास में क्या है, आपतित प्रकाश किरणें आ रही है और जो आपके पास में लेंस है R1 और R2 जो है उन लेंसों के, यानी वक्र पृष्ठ जो है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात R1 R2 का कितना होना चाहिए, 2μ² - μ - 4 / μ - 2μ + 1 होना चाहिए। यहाँ म्यू जो है वो क्या है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। अगर इस सूत्र के अंदर अपने म्यू जो है वो कितना रख देते हैं, 1.5 रख देते हैं, तो म्यू का मान 1.5 रखने पर जब आप लोग R1 / R2 का मान ज्ञात करते हो तब आपके पास में आता है -1/6। कितना आता है आपके पास में, -1/6 आता है। और अगर आप लोग म्यू इक्वल 1.686 रखते हो, अगर म्यू इक्वल 1.686 रखते हो तब आपके पास में R1 और R2 जो है इसका मान आपके पास में कितना आता है, 0 आता है। यानी आपके पास में R1 जो है उसका मान कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। यहाँ नेगेटिव चिन्ह जो है वो आपको क्या दर्शा रहा है, यहाँ नेगेटिव चिन्ह दर्शा रहा है कि लेंस की गोलीय पृष्ठ जो है उनकी वक्रता जो है वो विपरीत दिशा में है। तो अब देखिए अपने, अगर आपके पास में क्या है, अभी जो अपने पढ़ा है इससे क्या निष्कर्ष निकला है, तो अगर आपके पास में दो लेंस है और आप लोग चाहते हो कि गोलीय विपथन क्या हो, उनका न्यूनतम हो, तो गोलीय विपथन न्यूनतम करने के लिए, गोलीय विपथन जो है उसे न्यूनतम करने के लिए
जिस लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, जिस लेंस का अपवर्तनांक कितना है 1.5 है, उसके लिए जो वक्रता त्रिज्याएं आ रही है उनका अनुपात कितना आना चाहिए, 1:6 आना चाहिए। ठीक है, यानी आपके पास में जो म्यू इक्वल 1.5 अपवर्तनांक वाला लेंस है उससे अगर आप लोग गोलीय विपतन को न्यूनतम करना चाहते हो तो इनकी वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात कितना होना चाहिए, 1:6 होना चाहिए। और अगर आपके पास में म्यू इक्वल 1.686 या माइनस जो है वो बता रहा है कि वक्रता उनकी विपरीत दिशाओं में है, और अगर आपके पास में अपवर्तनांक म्यू इक्वल कितना है 1.686 है, और इस लेंस से अगर आप लोग गोलीय विपतन को न्यूनतम करना चाहते हो तब आपके पास में R1/R2 = 0 होना चाहिए, यानी R1 का मान 0 होना चाहिए। मतलब आपके पास में लेंस जो है वो कैसा होना चाहिए, समतलोतल होना चाहिए, यानी समतलोतल लेंस को आपको काम में लेना पड़ेगा। और इस प्रकार से जो विशेष प्रकार के लेंस बनते हैं इन लेंसों में क्या होता है, अल्पतम गोलीय विपथन होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, गोलीय अल्पतम विपथी लेंस कहते हैं। ठीक है, यानी म्यू इक्वल ये रखो और R1 R2 का अनुपात ये रखो, या म्यू इक्वल ये हो और R1 R2 का अनुपात 0 हो, तब इन लेंसों को ये अपने किस नाम से जानते हैं, इन लेंसों को जानते हैं अल्पतम गोलीय विपथी लेंस या गोलीय अल्पतम विपथी लेंस। ठीक है, अब देखिए अगला इसके अंदर जो तरीका आता है वो आता है अवपथी लेंस के उपयोग से। अवपथी लेंस के उपयोग से भी क्या कर सकते हो आप लोग, अवपथी लेंस के उपयोग से भी गोलीय विपथन को आप लोग दूर कर सकते हो। ठीक है, अवपथी लेंस के बारे में आप लोगों ने जब मैंने आपको शुरुआत में फर्स्ट यूनिट करवाई थी वहां करवाया था तेल निमंजन अभिदर्शक, उसके अंदर अपने पढ़ा था अवपथी लेंस की सहायता से गोलीय विपथन को किया जाता है कम। तो चौथा तरीका आता है अवपथी लेंस के उपयोग से। अवपथी लेंस के उपयोग से भी आप लोग क्या कर सकते हो, गोलीय विपथन को न्यूनतम कर सकते हो। ठीक है, और इस प्रकार का जो लेंस है उसे अपने कहां काम में लिया जाता है, तो इस प्रकार के लेंस को अपने काम में लिया जाता है तेल निमंजन अभिदर्शक में जो हम लोग पढ़कर के आए हैं शुरुआत वाली फर्स्ट यूनिट के अंदर, तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि जो तेल निमंजन अभिदर्शक है उसके अंदर अपने कौन सा लेंस काम में लेते हैं, अवपथी लेंस काम में लेते हैं, जो किस प्रकार का लेंस होता है, नवचंद्रक लेंस होता है। ठीक है, जो किस प्रकार का लेंस होता है, नवचंद्रक लेंस होता है। इस लेंस का जो प्रथम गोलीय पृष्ठ होता है उसके वक्रता के अंदर ऊपर क्या रखा जाता है, प्रतिबिंब ओ को रखा जाता है। ठीक है, जैसे ये आपके पास में है एक नवचंद्रक लेंस और इस तरीके से आपके पास में इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, और इसके मुख्य अक्ष, ये इसका मुख्य अक्ष है, और यहां इसका जो वक्रता के अंदर ओ है यहां क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट ओ को रखा जाता है। इस जगह अपने क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट ओ को रख देते हैं, और यहां पर प्रकाश आता है इस तरीके से, और वो क्या हो जाता है, अपने पथ से अलग हो जाता है, और पीछे बढ़ाने पर इसका प्रतिबिंब बनता है पॉइंट आई पर बनता है, और ये जो प्रतिबिंब ओ का आई प्रतिबिंब बनता है ये गोलीय विपथन से क्या होता है, बिल्कुल मुक्त होता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि जो अवपथी लेंस है वो अवपथी लेंस किस प्रकार का होता है, वो लेंस नवचंद्रक प्रकार का लेंस होता है। और इस प्रकार के लेंसों को कहाँ काम में लिया जाता है, तो इस प्रकार के लेंसों को काम में लिया जाता है तेल निमंजन अभिदर्शक में। तेल निमंजन अभिदर्शक के बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं जब आप अपने इस यूनिट को शुरुआत कर रहे थे, उसी समय आपकी जो फर्स्ट यूनिट थी, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले तेल निमंजन अभिदर्शक को पढ़ा था। ठीक, तो नवचंद्रक लेंस होता है और तेल निमंजन अभिदर्शक जो होता है उसमें इसे काम में लिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसका जो प्रथम, ये जो नवचंद्रक लेंस है इसका जो प्रथम गोलीय पृष्ठ होता है, जैसे ये इसका प्रथम वक्र पृष्ठ है, तो इसके प्रथम वक्र पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वहां पर इसके वक्रता के अंदर ओ पर क्या किया जाता है, बिंब को रख देते हैं। ठीक है, वहां पर क्या कर दिया जाता है, बिंब को रख दिया जाता है, और ये प्रकाश की किरणें यहां से जाकर के मुड़ेगी, और इन्हें जब पीछे बढ़ाया जाता है तब ये कहां से आती हुई प्रतीत होती है आपको, पॉइंट आई से। ठीक है, तो ओ जो है उसका प्रतिबिंब आपको पॉइंट आई पर
प्राप्त हो जाता है। और ये जो आपका प्रतिबिंब यहाँ पर बनने वाला है इस ओ का, ये प्रतिबिंब गोलीय विपतन से क्या होता है, बिल्कुल मुक्त होता है। ठीक है, तो ये कुछ एक तरीके थे गोलीय विपतन को दूर करने के।